हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल लेंस। यानी लेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं और उनके पार्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये जानेंगे, इसके इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला को पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला, लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ और पावर ऑफ लेंस, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें और हम सभी चीज़ों को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताएंगे, जिससे आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप चैट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हमारा जो चैनल है TVIT क्लासेस, ये बहुत ही अच्छा चैनल है, क्योंकि इसमें हम लोग सभी फैसिलिटीज़ आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको और कहीं उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो आप अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों और अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों से बात करें कि वो भी रजिस्टर्ड हों और जिससे वो भी इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकें। चलिए अब देर न करते हुए हम लोग इस स्फेरिकल लेंस को समझते हैं। तो देखिए, इस स्फेरिकल लेंस में हम लोग लेंस के बारे में सबसे पहले जानेंगे, इस स्फेरिकल लेंस या लेंस किसे कहते हैं। अ लेंस इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से ग्लास बाउंडेड बाई टू सरफेस विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का पार्ट होता है, चाहे वो ग्लास हो, यानी से ग्लास, यानी ग्लास स्लैब होगा, यानी उसी ग्लास जो होता है उसी का एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का पार्ट होगा। ये बाउंडेड बाय टू सरफेस, यानी ये दो सरफेस से मिलके बना होता है, चाहे एक सरफेस उसका आपका क्या हो, स्फेरिकल हो, या दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मुख्यतः लेंस हम लोग को दो प्रकार के पढ़ने हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस के बारे में जानेंगे, कन्वेक्स लेंस होता क्या है, उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है अ कन्वेक्स लेंस इज दैट विच इज थिकर एट द मिडल एंड एज कंपेयर टू द एजेस। यानी कन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो मिडल पार्ट में क्या होता है, थिकर होता है, यानी मोटा होता है, वो किसके, इसके एजेस के कंपेयर में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में। ठीक है, तो ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एंड हेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने कुछ इसके पार्ट्स लिखे हैं कन्वेक्स लेंस के, जैसे ये डबल कन्वेक्स लेंस है। डबल कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, यानी डबल कन्वेक्स लेंस वो कन्वेक्स लेंस होता है जिसके दोनों सरफेस क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंस के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या है कि जिसका एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा, कन्वेक्स होगा, तो वो क्या होगा, आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। और देखिए कनकेवो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव कन्वेक्स लेंस ये वो कन्वेक्स लेंस होता है जिसमें एक सरफेस आपका कनकेव रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, कन्वेक्स रहेगा। तो ये थे सभी टाइप्स के, हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर ली, डबल कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, कनकेवो कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। यानी सीधे सीधे जिसके दो कन्वेक्स सरफेस रहेंगे वो क्या होंगे, आपके डबल कन्वेक्स होंगे। जिसका एक कन्वेक्स और एक प्लेन सरफेस रहेगा तो वो प्लेनो कन्वेक्स होगा। जिसका एक सरफेस कनकेव और दूसरा कन्वेक्स रहेगा तो क्या होगा, कनकेव कन्वेक्स होगा। तो ये आपके कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कनकेव लेंस के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, अ कनकेव लेंस इज दैट विच इज थीकर एट द एजेस एज कम्पेयर टू द मिडल। यानी कनकेव लेंस क्या होता है, एजेस पे थीक होता है, यानी मोटा होता है,
और मिडल में क्या होता है, पतला होता है। फिर हमने पॉइंट एक लिखा है दोस्तों, अ कनकेव लेंस डाइवर्ज द लाइट रेज एंड हेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। यानी कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, अब हमने कुछ कनकेव लेंस के टाइप्स लिखे हैं, उसके फिगर बनाए हैं। यानी देखिए, हमने सबसे पहले लिखा डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों सरफेस क्या होते हैं, कनकेव होते हैं, तो वो क्या होता है, डबल कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। और देखिए, प्लेनो कनकेव लेंस किसे कहते हैं, जिसका एक सरफेस प्लेन और दूसरा कनकेव होता है, वो क्या होता है आपका, प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस होता है। और देखिए, कन्वेक्सो कनकेव लेंस क्या होता है, जिसका एक सरफेस कन्वेक्स और दूसरा कनकेव होता है, उसे हम लोग कन्वेक्सो कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस। हमने टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस भी बता दिया था, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। अब आपको अगर कोई पूछा जाए डबल कन्वेक्स लेंस क्या होता है या डबल कनकेव लेंस क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर नहीं पूछे जाते हैं तो इनका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने में उपयोग करते हैं, तो इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है, तो उसको हम लोग आपके साथ मिल के सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस, यानी लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ पार्ट है लेंस के जिसको हम डिफाइन करेंगे। फिगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका कनकेव लेंस का और ये क्या, कन्वेक्स लेंस का। अब देखिए, ये दो स्फेयर ग्लासेस से मिलके बना होता है, ये भी बना होता है, लेकिन ये क्या होता है, इनवर्ड यानी आउटवर्ड इसमें जो होता है, और इसमें क्या होता है, इनवर्ड होता है। ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है रिफ्रैक्शन के बाद, ये कन्वर्ज कर देता है। तो देखिए, यहाँ से सी से ए तक की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ रेडियाई कहलाती है, क्योंकि दो स्फेयरकल से बना होता है, स्फेयरकल ग्लास से बना होता है। अब देखिए, C1 और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी सेंटर है स्फेरिकल ग्लासेस के, इसलिए ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब O क्या है, O आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर हम लोग लिखा जाए तो इनको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए R1 और R2 क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट है वो दोस्तों, वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। मान लीजिए ये एक्स डैश एक्स है, तो यानी एक्स डैश एक्स क्या कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वही चीज़ें इसमें भी हैं, उसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस फॉर्म अ पार्ट आर कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो स्फीयर का सेंटर होता है जिससे लेंस का सरफेस बना होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियाई ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस फॉर्म अ पार्ट आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। यानी जो स्फीयर का जो रेडियाई होता है, यानी दो स्फीयर हैं उनके रेडियाई होता है जिससे लेंस का लेंस फॉर्म होता है, वही क्या कहलाता है, रेडियाई ऑफ द कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द
टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड बोथ साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वो लाइन जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है और उसे हम लोग दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिगर में देखिए, जैसे ये देखिए, ये C1 सेंटर है और ये C2 सेंटर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो अब देखिए, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है एक्स और एक्स, यही लाइन क्या कहलाएगी आपका, जिसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, यही लाइन आपका क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है दोस्तों, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यानी जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे O यहाँ पे भी है, सारी चीज़ें कनकेव में भी है, कन्वेक्स में भी है। तो हमने एक चीज़ों में अच्छे से समझा दिया, वही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, बस ये लेंस अलग है, ठीक है। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, जो लेंस से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग किस फोकल लेंथ के बारे में जानेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कहने का मतलब, इसमें जो ये प्रिंसिपल फोकस है, यानी F1 प्रिंसिपल फोकस है, F2 भी प्रिंसिपल फोकस है, यानी इसकी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से है, वही डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फोकल प्लेन की। फोकल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस नॉर्मल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन ऑफ द लेंस। यानी कहने का मतलब, वह प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है और नॉर्मल होती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। तो अब देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल फोकस बार बार आ रहा था। अब प्रिंसिपल फोकस के भी बारे में जान लें, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर ऑल द लाइट रेस ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज इन कन्वेक्स लेंस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इन कनकेव लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है दोस्तों, जहाँ से सारी लाइट रेस ट्रैवल करती हैं प्रिंसिपल, यानी वेयर आर लाइट्स ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ सभी लाइट रेज क्या होती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, और वो एक्चुअली कन्वर्ज होती हैं किस में, कन्वेक्स लेंस में, और अपीयर टू डाइवर्ज, और वहाँ पे लगता है कि अपीयर करती, यानी डाइवर्ज होते हुए प्रतीत होती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जाना लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सभी पॉइंट को अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो आपके लेंस से ही रिलेटेड होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ yourself.